के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं नीता सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे लगे इलाकों में चक्रवाती संचलन के असर से भारी बारिश का अनुमान। आने वाले 5 दिनों तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार, तो बुधवार को उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अनुमान। गुजरात में बारिश के बाद पूरा कर लें खरीफ फसलों की बुवाई का काम, तो बिहार में आम, लीची और अमरूद के पौधों की करें रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबर से। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे लगे इलाकों में चक्रवाती संचलन का रहेगा असर। चक्रवाती संचलन के असर से आगामी 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं, तो वहीं अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत में काफी व्यापक बारिश का अनुमान है। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। बुधवार को उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। मंगलवार को ओडिशा में तो 2 दिन असम मेघालय में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान है, तो वहीं कर्नाटक में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। तो आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन बुधवार को बारिश का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसी तरह अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गंगा पश्चिम बंगाल, मंगलवार और बुधवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में भी कई जगह बरसात का अनुमान है। आने वाले 2 दिन में बिहार में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है, तो झारखंड पर कई जगह बरसात की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार और बुधवार को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही जिले मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में मंगलवार और बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 2 दिन के साथ में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है, वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन
तेलंगाना और राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह दो दिन कर्नाटक के कई इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार है। साथ ही दो दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। महीने के दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में भारी बरसात के आसार है। और आइए अब जानते हैं मौसम की चाल। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों में पानी बरसा। ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ हिस्सों में बरसात हुई। मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कोलकाता में 13 सेंटीमीटर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में तेज हवाएं चली। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तेज हवा चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कुछ जगह तेज हवाएं चली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा में भी तेज हवाएं चली। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज हवाएं चली। और आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में अधिकतर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। गंगानगर में 43 तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात करें न्यूनतम तापमान की तो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे में कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में ऐसा ही तापमान रहा। पंजाब में अधिकतर जगह तो मराठवाड़ा, ओडिशा, तमिलनाडु में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सबसे कम तापमान मराठवाड़ा के बीर में दर्ज किया गया। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती बाड़ी, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Thank you.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ये समय खरीफ फसलों की बुवाई के लिए काफी अच्छा है। अगर किसान अच्छे किस्म के प्रमाणित बीजों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए किसान बुवाई या रोपाई से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। फिलहाल गुजरात और बिहार के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट। गुजरात के किसानों के लिए खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी फसल के प्रमाणित बीजों का भी चलन है। इसके अलावा इस समय गुजरात में जिन खेतों में फसलें लगी हुई है उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था भी करें। इसके साथ ही बारिश के भी समय पर बुआई का काम पूरा करें। गुजरात में किसान इस समय खरीफ धान की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी लगाने के लिए GNR 2, 3, 4, 5, 6, 7 और GNR 16 और 17 का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही GNR, गुजरी, GNR 5, 7, 8, 9, GNR 28, 13 और GNR 13 जैसी किस्मों का भी चुनाव किया जा सकता है। वही से पहले इस बात का ध्यान रहे कि बीज प्रमाणित स्रोत से ही खरीदे और उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। वही बिहार में इस सप्ताह मध्यम से भारी बारिश संभव है। ऐसे में वहाँ के किसानों को सलाह है कि वो प्रतिवर्धी सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि बारिश का पानी जमा न हो। इसके अलावा बिहार में जो किसान निर्माण लगाना चाहते हैं वो इस समय आम, लीची या अमरूद के रोग मुक्त पौधे की रक्षा कर सकते हैं। बिहार में जो किसान धान की बुआई करना चाहते हैं वो सीधा कनक राजेंद्र श्रेता BPT 5-2-4 जैसे मध्यम अवधि वाले प्रमाणित किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार के जिन इलाकों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है वहाँ मूंगफली की बुआई भी की जा सकती है। मूंगफली में AT 12-24 GN 26 जैसी किस्मों का चुनाव करें। और अब बात आज की फसल की। मक्का तेजी से लोकप्रिय होने वाली फसलों में से एक है। इसी का एक रूप बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे इससे आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा उपलब्ध रहता है। उत्तर भारत में बेबी कॉर्न की बुवाई का सही समय चल रहा है। एक फसल के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपया
तो आपने देखा कि बेबी कॉर्न न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि काफी पौष्टिक भी होता है और लोग अपने भोजन में इसको शामिल करने लगे हैं। तो भोजन में जिस तरह से शामिल करने लगे हैं तो अगर बेबी कॉर्न की खेती करें आप तो काफी मुनाफा आपको हो सकता है। और अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती की। पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। पंजाब के किसान फिलहाल खेतों में न करें सिंचाई। और पंजाब में ही भिंडी, लौकी, कोहरा, खीरा और तोरी की करें बुवाई, उसके लिए समय ठीक है। पंजाब में किसान भिंडी और कपास की फसल को कीटों से बचाएं। साथ ही प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब में ही नाशपाती, नींबू और आड़ू के बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। और मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मौसम खबर में स्वागत है। और मौसम के अनुसार खेती की एक बार फिर बात करते हैं। और मौसम के लिहाज से खेती की बात करें तो झारखंड में यह समय खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल है। वहीं किसान 30 जून तक खरीफ फसलों की बुवाई कर लें। और यहां जल संरक्षण और मिट्टी की कटाई को रोकने के लिए मेड़ नाली विधि अपनाएं। झारखंड में ही धान के खेतों में मेड़ों को दुरुस्त करें। यहीं सब्जियों के खेतों में बारिश का पानी जमा होने ना दें। झारखंड में ही पर्याप्त जल उपलब्ध हो तो धान की रोपाई कर लें। और खास खबर बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियों पर नजर डालते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे लगे इलाकों में चक्रवाती संचलन का रहेगा आसार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी में अरब सागर में तेज हवा चलने का अनुमान है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
और आइए चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए नौ शहरों के तापमान पर। और मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।